कुश्ती का खेल हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने में मिलता है कि जो हमारे पहलवान हैं वो मिट्टी की कुश्ती में दंगलों में तो खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन फेडरेशन के स्तर पर उन्हें कोई उतना सहयोग नहीं मिल पाता या उतनी उनको दिशा उनकी तय नहीं हो पाती। इसी सवाल पर, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं बृजभूषण शरण सिंह जी से, जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। सर, क्या कहेंगे आप, जो मिट्टी की कुश्ती पर अभी तक फेडरेशन ने कोई उस तरह से ध्यान नहीं दिया जितना पहलवान आपसे उम्मीद करते हैं? हाँ, ये हमारी कमी है, क्योंकि हम लोगों का ज़्यादा फोकस जो है गद्दे की कुश्ती पर रहा, और उसका कारण ये था कि इसका कोई इंटरनेशनल कंपटीशन नहीं होता था, और इसीलिए शायद हमने या हमारे के पहले के लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इंटरनेशनल कंपटीशन गद्दे पर होता था, और इसीलिए शायद हमारे पहले भी फेडरेशन का ध्यान या खिलाड़ियों का ध्यान ये था कि हम जो है ज़्यादा ध्यान फोकस उन्होंने किया। लेकिन अभी ऐसी वर्ल्ड UWW ने भी इस पर ध्यान दिया है और इसको ट्रेडिशनल रेसलिंग नाम दिया गया है, ट्रेडिशनल रेसलिंग नाम दिया गया है, जैसे बेल्ट रेसलिंग है, हाँ, तो तमाम हाँ, बीच रेसलिंग होती है, उसी हाँ, तरीके से एक स्टाइल भारत का जो हाँ, ट्रेडिशनल स्टाइल हाँ, ट्रेडिशनल जो हमारा पुराना हाँ, पुराना स्टाइल है जी, उसको मान्यता दी है। और जैसे आगे आप प्रश्न करेंगे, मैं उसके पहले उत्तर दे देता हूँ कि ये हमारे UWW का प्रयास है कि इसको भी हम आने वाले समय में एशिया, वर्ल्ड और ओलंपिक, हाँ साउथ ओलंपिक तक ले जाने के बारे में जी जी चर्चा हो रही है। पर आप तो सर साउथ एशियन गेम्स जो फेडरेशन है रेसलिंग के, उसके अध्यक्ष भी हैं, हाँ जी, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम जो अगले साउथ एशियन गेम्स होंगे उसमें मिट्टी की कुश्ती को भी शामिल किया जाए। करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी तो कर लेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा तो तुरंत हमें UWW से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो बात करेंगे। UWW भी जो है चाहता है कि इसको किया जाए, तो उस पर हमारा अब ध्यान है, चूँकि इंटरनेशनल टूर्नामेंट की बात हो रही है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि भारत भी अपनी तैयारी करे। कोरिया ने अपना ताइक्वांडो का खेल को इंट्रोड्यूस किया, वो ओलंपिक में पहुंच गया। चाइना ने अपना खेल वुशु को इंट्रोड्यूस किया, वो भी एशियाई खेलों का एक अहम उसका टूर्नामेंट होता है। आपको ये भी कह सकते हैं जी, कुश्ती तो कुश्ती है, लेकिन अब जब टेनिस के टूर्नामेंट अलग अलग सतहों पर हो सकते हैं, प्ले कोर्ट पर अलग फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है, बिल्कुल घास पर होता है, तो ऐसे ही हम कुश्ती को भी दो अलग अलग सतहों पे कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे, उसकी पूरी तैयारी है हमारी। तो उस दिशा में आपका पहला कदम क्या है? अब पहला तो नेशनल कराने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ वाह, बहुत खूब, बहुत हाँ, नेशनल और नेशनल में इसी महीने में शुरुआत कर रहे हैं, अगले महीने में तारीख भी शायद फिक्स हो गई है, 28-29-30। हाँ, कहाँ पर कराएंगे? यह पुणे में महाराष्ट्र में जा कुश्ती, हाँ कुश्ती का गढ़ है, लाखों लोग इकट्ठा होते हैं भाई महाराष्ट्र का, तो क्या कहना। ये जो भीड़ हमने कल इकट्ठा की थी, इसमें हमने मेहनत किया था, महाराष्ट्र में बिना मेहनत के इतना हो जाएगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि मिट्टी की कुश्ती के अब दिन अच्छे दिन आने वाले हैं, और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की जैसे इन्होंने घोषणा की है बृजभूषण शरण सिंह जी ने, और इसके अच्छे परिणाम आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल को मान्यता मिलेगी। हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।